हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश से संगठनात्मक रूप से नाता रहा है। वो मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रभारी थे तो हर समय असंभव को संभव करने की बात करते थे, इसीलिए भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ता जा रहा है। पवैया ने प्रधानमंत्री मोदी की ग्वालियर से जुड़ी बातों को साझा किया। जयभान सिंह पवैया से बातचीत की हमारे सहयोगी नासिर ने। पूरा देश पीएम नरेंद्र मोदी का कथरवा दनंती सुना रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की बहुत यादें जुड़ रही हुई है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने संघ प्रचारक के रूप में काम किया है। हमारे साथ में मौजूद है जयभान सिंह पवैया जी, कैसे देखते हैं आप, उन्होंने एक संघ प्रचारक के रूप में काम किया है मध्य प्रदेश की राजनीति में भी? देखिये, वो जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे तो वो प्रचारक के नाते ही भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री थे, प्रचारक के नाते ही वे भाजपा के पदाधिकारी थे, महासचिव थे और मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। मेरे लिए मोदी जी नए नहीं थे, क्योंकि मैं बजरंग दल के अध्यक्ष के नाते और अयोध्या मूवमेंट में गुजरात में चप्पे चप्पे घूमा, तो उनका सानिध्य, उनका वैशिष्ट्य, उनकी बुलंदी, उनकी दिल पावर, ये हम पहले भी देख चुके थे। और सबसे ज़्यादा हृदय को स्पर्श कर लेने वाला उनका व्यवहार, तो यहाँ उन जैसे गार्जियन कम मिलते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में एक नए रक्त का संचार हो गया था उनके प्रभारी रहते हुए। ग्वालियर में यही पड़ाव पर उनको एक जगह रुकाया जाता था और कभी कभी तो किसी बड़ी सभा में हमारे भाषण सुनने छुपकर वो आंकते थे कि आखिर क्या बोल रहे हैं। तो ये एक जो संगठन का नेपथ्य में रहकर नेतृत्व को खड़ा करने का काम है, वो उस समय हुआ करता था। मैं जयभान सिंह पवैया जी हैं, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर की भी बहुत यादें जुड़ी है, खासकर उन्होंने भी उनके साथ काम किया है, तो वो भी अपने आप को इस बारे में सौभाग्यशाली समझते हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर कौरी, IBC 24 ग्वालियर।